प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने को अब महज 2 दिन और रह गए, वहीं मतदान शुरू होने को 90 घंटे ही बचे हैं। ऐसे में चुनावी अखाड़े में उतरे दिग्गज आखिरी दांव पेच आजमा रहे हैं। बीजेपी जहां स्टार वॉर के जरिए रणनीति भी बदल रही है, वहीं कांग्रेस ने अभी भी सभी 10 सीटों पर मुकाबला रोचक बना दिया। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। लीजिए, हरियाणा में भी लोकसभा का काउंटडाउन शुरू है और मतदान में महज 2 दिन का वक्त ही बचा है। इसीलिए सियासी पार्टियां चुनावी अखाड़े में अपने आखिरी दाव पेच चल रही हैं। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए यहां बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बदल रही है। पहले बीजेपी उम्मीदवार जहां 10 साल के काम पर वोट मांग रहे थे, फिर मोदी जी और राम के नाम पर वोट की अपील हुई। अब प्रदेश के प्रचार में नया नारा गढ़ा गया है, डबल इंजन की सरकार, मोदी की गारंटी, मनोहर का संकल्प। ये भी कि शनिवार को मोदी जी अंबाला और गुहाना पहुंचे तो रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करनाल और दूसरी जगह, सोमवार को अमित शाह करनाल, हिसार और रोहतक पहुंचे तो मंगलवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कुरुक्षेत्र और करनाल सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे। जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, वो गठबंधन परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार का गठबंधन है। एक तरफ मोदी जी हैं जो देश को एक पल रुके बिना, एक क्षण गंवाए बिना, बिना विश्राम किए लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आज गठबंधन बना रहे हैं। और 22 मई को राजनाथ सिंह करनाल लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए घरोंडा में जनसभा कर रहे हैं। उधर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर हर जगह कांग्रेस ने मुकाबलों को रोचक बना दिया है। आपको ऊपर ऊपर मुकाबला दिखाई दे रहा होगा, मैं भी हरियाणा में काफ़ी सारे स्थानों पर जा चुका हूं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी पुराना इतिहास दोहराएगी और जो आम जनता है, सामान्य जनता है और हर वर्ग यहां भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से अपना इतिहास दोहराएगा। फिर से 10 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताएगा। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को चंडीगढ़ और अम्बाला लोकसभा में पहुंचे तो राहुल गांधी भी 22 मई को चरखी, दादरी, सोनीपत और पंचकुला आ रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन 23 मई को प्रियंका गांधी करनाल पहुंच रही हैं, यानी दोनों बड़ी पार्टियों के नेता हरियाणा का रुख कर रहे हैं। प्रदेश की 10 सीटों पर मुकाबले आमने सामने के हो गए हैं। चूंकि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, इसलिए छोटे दल सर्कल की बाहरी लाइनों पर खड़े अपने रास्ते तलाश रहे हैं। और हाँ, ये लोकसभा चुनाव पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर जाती है तो विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को फिर से फ्री हैंड मिल सकता है, नहीं तो पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चमक फीकी पड़ सकती है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।